खबर रोहतास जिले के करगहर से है, जहां जन अधिकार सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्व प्रमुख सह पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव की हत्या के बाद उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में अपराधी व माफिया सरकार से भी ऊपर है। सभी अपराधी एवं माफियाओं का गठजोड़ सत्ता में बैठे किसी मंत्री व विधायक से है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री व विधायक से अपराधियों का साठगांठ है, वहीं उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी भी हत्या में शामिल अपराधियों को दंड नहीं मिल रहा। अगर किसी हत्या में चार अपराधी शामिल होते हैं तो उनमें से तीन अपराधियों का नाम पुलिस अनुसंधान से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण अपराधियों का हौसला बुलंद है। वह बेखौफ होकर हत्या व अन्य संगीन अपराध को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से पटना SIT से हत्या की जांच की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को समुचित सुरक्षा व परिवार के सदस्यों को हथियार का लाइसेंस देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर पूर्व प्रमुख की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो रोहतास में चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हत्या का उद्भेदन करने में अगर संबंधित एजेंसी सफल नहीं होती तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार अपराध को रोकने में असफल है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के कमजोर लोगों का वोट लेकर लोग सरकार में बैठे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की सरेआम हत्या हो रही है, जो सरकार को भी समझना चाहिए। शाहबाद के कुल 26 सीट इन्हीं लोगों की बदौलत मिली है। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। किसी भी आप हमको एक काम कीजिए, शाहबाद दे दी, तीन महीना हमको दे दी, उसके बाद जिंदगी में कभी कोई अपराधी मिला तो हम दोगला के पैदाइश। अब आपकी इच्छा शक्ति है ही नहीं लड़ने की मरने की, आप उठाएंगे ही नहीं बात। जेल से मौत होती है, हत्या होती है, इसके पहले कामेश्वर की मौत हुई, उसके पहले चंद्रिका जी की मौत हुई, उसके पहले राय जी की मौत हुई, लगातार मौत पे मौत होती जा रही है। और वैसे लोगों की मौत हो रही है जो सामाजिक जीवन की भूमिका में निभा रहे हैं और जिनका सामाजिक जीवन बेबाक रहा है, जो आम आदमी की आवाज़ बने रहे, तो ऐसे लोगों को ही टारगेट आप कर रहे हैं। तो इस परिवार का क्या, इस परिवार का तो एक बेटा है वो चला जाएगा, बेटी की दोनों की शादी हो गई, उसकी तो माँ अकेले हो गई और सोसाइटी अकेला पड़ गया। तो अब चंद्रमा जी का 11 दिन हो गया, एक भी अपराधी पकड़ा है, कौन मरवाने में है, किसने मरवाया, ये सबको पता है। मैंने नाम भी लिया, क्यों नहीं पकड़, क्यों नहीं आज तक घटना, सोसाइटी सरकप क्यों नहीं होती है, सोसाइटी सोशल मीडिया से क्रांति क्यों नहीं करती है, सोसाइटी बोलती क्यों नहीं है। समाज भी तो मूक दर्शक बना हुआ है और समाज किसी नेता और सिस्टम से और सरकार से ज्यादा दोषी हो चुकी है, नहीं तो अपराधी ना पकड़ा है। इसी अपराधी को सोसाइटी में आधे से अधिक लोग तवज्जो देते हैं, और अपराधी को जात के आधार पर घर में आप बैठाइएगा, सम्मान दीजिएगा, अपराधी किसी जात का हो तो सोसाइटी तो खत्म हो। तो इसी